In the last class, we discussed some very important aspects. Most importantly, we discussed about acceleration due to gravity. हमें ये पता चल गया कि the force with which the earth attracts the objects towards its core is the gravitational force of earth, which is called as gravity. Acceleration due to gravity or small g, हमने कहा कि कैन बी डिस्प्लेड बाय द रिलेशनशिप द फॉर्मूला जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस. ये बात हमने कल सीखी. और ये फॉर्मूला कहाँ से निकला? ये फॉर्मूला निकला एक तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है कि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. और फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी से दैट एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर दे, अल्टर कर दे, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, तो ये ऐसा फोर्स तो है जो कि एक्सेलरेशन क्रिएट करवा सकता है. यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स ही है. अनबैलेंस फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम जी लिखते हैं ए के बजाय. तो एम जी इक्वल टू दिस. यहाँ पे इस मास से जब ये मास कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये मास भी ऑब्जेक्ट का है और ये मास भी ऑब्जेक्ट का है, तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है. ये एक छोटी सी बात कल हमने सीखी थी. उसके पहले हमने ये भी क्लियर किया था कि जो फ्री फॉल होता है, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल फोर्स दैट इज ग्रेविटी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो इस फिनोमेना को हम फ्री फॉल कहते हैं. वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ अर्थ सर्फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई अगर फोर्स लग रहा है उस पर, लाइक ड्रैग और फ्रिक्शन ऑफ एयर, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. तो उस फ्री फॉल के दौरान ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगी. हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन में वी इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम ए की जगह जी लिख के वी इक्वल टू यू प्लस जी टी बोलने लगते हैं. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम हाफ जी टी स्क्वायर बोलने लगते हैं. और कहीं कहीं एस डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस होता है, इसलिए एस की जगह कहीं कहीं एच भी लिखा जाता है. सिमिलरली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, वेयर एच इज द डिस्प्लेसमेंट, एस एच और जी इज ए, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम आगे बढ़ने से पहले जी और कैपिटल जी के डिफरेंसेस देखने से पहले, मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस देखने से पहले, हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो कि हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स हैं. हाँ, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में. तो हम अपनी बुक में देखते हैं. हमारी बुक में देखो पेज नंबर 136 पे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, हम पहले सॉल्व एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद दिस देखते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एग्जांपल 10.2, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, आधे सेकंड में लेज से. अब लेज एक स्टीप जगह है. मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली लेज का मतलब क्या है. इसको आप ऐसा देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे शीट पे ले लिया कि कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड. ये सिचुएशन ऐसी है. हाँ, समझो कि एक ओपन पार्किंग पे कार खड़ी थी, रेलिंग नहीं थी और ये गिर गई. ऐसा हो जाता है ना कभी कभी
कि किसी ने गियर में डाले बिना कार छोड़ दी और वहाँ पे स्टॉप था, तो लुढ़कती लुढ़कती टपक गई वो उधर, तो ये यहाँ से नीचे गिर गई। तो अगर ये सिचुएशन है ना, वो कह रहे हैं कि अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन होता तो 9.8 है अप्रॉक्सीमेटली, वो भी अप्रॉक्सीमेटली है, लेकिन 9.8 की बजाय हमने 10 ले लिया। हमको 9th क्लास में कई बार 10 दे दिया जाता है, जब आपको दे दिया जाए 10 तो आप 10 ले लें, जब ना दिया जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लें, ये ध्यान रखें। वॉट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वॉट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, एंड हाउ हाई इज द लेज, यानी कि इसकी हाइट क्या है। हमको ये पता करना है कि स्पीड से गिरी, और ये भी पता करना है कि इसकी हाइट क्या है। ये पूछ रहा है, दिस इज द हाइट, कितनी ऊंचाई से गिरी है। तो हमको गिवन है, ये तो हमें पता लगाना है। खैर, कोई फ्री फॉल होता है तो पहली चीज़ ध्यान रखें कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो ली जाती है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आप ध्यान रखें, ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ली जाती है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ली जाती है। आफ्टर टचिंग द ग्राउंड तो वो रुक ही जाएगा, फिर वो मोशन थोड़ी है, तो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस वेलोसिटी से वो टकराई, हालांकि वो पूछा नहीं है उन्होंने। तो पहले तो जो पूछा है वो देखें अपन कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो ये तो हटाओ, है ना, जो पूछा है वो बात करते हैं पहले, तो ये बात भी बाद में करेंगे। वॉट इज इट्स स्पीड, अच्छा पूछा है वॉट इज इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये तो पूछा है, और वॉट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द, अब एवरेज स्पीड क्या होती है आपको याद है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन गिवन है। अगर आप हाइट निकाल लोगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी आ जाएगा, तो उनकी एवरेज स्पीड भी निकल जाएगी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से एवरेज स्पीड निकाल देंगे। और तीसरी चीज, हाउ हाई इज द लेज, एच निकालना है। तो क्या करें हम स्पीड निकालने के लिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमको हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन से मिलता है, जी भी हमको मिल गया। मैंने यहाँ पे 9.8 ले लिया है, एक्चुअली इन्होंने 10 दिया था, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लो, नहीं दिया है तो फिर 9.8 लेना है। तो व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, देखें वी निकालना है, आपके पास यू भी है जी भी है, तो आप क्या क्या कर सकते हो वी निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट आपके पास नहीं है, टाइम आपको गिवन है, टाइम भी यहाँ पे हम अगर लिख लें, वो कह रहा है 0.5 सेकंड में गिर गई, तो टाइम इज 0.5 सेकंड, आधा सेकंड। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी क्या, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी से काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यू भी है जी भी है और टी भी है। तो यू ज़ीरो प्लस जी हमारा 10 है और टी इज 0.5, तो क्या बना 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकराई है। अब वो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो, तो कई लोग क्या गलती कर देते हैं, एवरेज स्पीड का मतलब वो क्या करते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो सकती है ना। आपका अगर एवरेज स्पीड जब भी निकालनी है तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता होना चाहिए, मैंने आपको शुरू से ये चीज़ बोली है मोशन के टाइम से,
कि आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो चीज़ नहीं गिवन है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो जाहिर है कि इसकी हाइट है तो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्योंकि हमारा ज़ीरो है, फ्री फॉल में सेकेंड इक्वेशन बहुत इजी रहती है, इजी टू यूज़ रहती है, क्योंकि यू ज़ीरो रहता है उसमें। तो यू टी ज़ीरो प्लस हाफ जी की जगह 10 दिया है, और टी स्क्वायर मतलब 0.5 स्क्वायर मतलब 0.5 × 0.5। तो ये आप ऐसे कर लें बेशक, या आप इसको 5 टाइम्स काट दें 10 को, ये 0.5 × 0.5 × 0.5, आप इसको दो पॉइंट्स हटा करके 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे ले सकते हो। तो 25 × 5 इज 125 अपॉन 100 हो गया। तो क्या बन गया, 1.25 मीटर। हाँ, ये लेज जो है ये 1.25 मीटर है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो इस 1.25 मीटर चलने में एवरेज स्पीड कितनी लगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाइट टोटल टाइम टेकन विच इज गिवन 1.25 अपॉन 0.5। ठीक है, आप ऐसे कर लें इसको पॉइंट हटा के। हमेशा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करो जिससे कभी गलती ना हो। जब हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करते हैं उसमें गलतियां होती हैं, आप उसको सिंपलीफाई करना सीखो, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। तो 25 अपॉन 10, चलो यहाँ पे तो 2.5 ही आया, लेकिन ये हमेशा 2.5 आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 5 अपॉन 2 करके आंसर 2.5 निकाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आपको ये फार्मूला लिखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हाइट अपॉन टाइम है ना। ये अगर आप 5 अपॉन यहाँ पे ये आपका सेम इसलिए आ गया क्योंकि आपका जो हाइट था, मतलब ये कोइंसिडेंस हो गया कि आपका ये 0.5 और हाइट ये जो था इस ये इसी तरह का आंसर आ गया जैसे 5 अपॉन 2 का आता, तो आंसर सेम आ गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ के आंसर अपना बनाएंगे तो ठीक रहेगा। फिर देखें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, इसको भी उधर ही रखेंगे, अपनी शीट पे ले लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point. सिंपल सिचुएशन आपको समझ में आई जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है। ध्यान रखो, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बेसिकली यू आर एग्जर्टिंग अ फोर्स। आप किसी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंकोगे तो आपने फोर्स लगाया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम, जिस स्पीड से, अब यहाँ पे तो गिवन नहीं है, यहाँ तो इनफैक्ट वो पूछ ही रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से फेंका। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो वो 10 मीटर हाइट तक पहुँचा है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि किस वेलोसिटी से पहुँचा ये कैलकुलेट करो, और दूसरा कि कितना टाइम लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करो। इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके हमको अक्सर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या इसमें। देखो, दो चीज़ें हमेशा गिवन है, एक तो वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे भी आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ इस तरह की है
हाँ, तो अगर आपने उसको ले लिया 10 m/s², तो ये बात ध्यान रखें कि ऊपर जाते समय इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फाइनल वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तब ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इस तरह के अपवर्ड मोशन में, वर्टिकली अपवर्ड मोशन में हमेशा ज़ीरो होगी और जी हमेशा माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये फोर्स जो है ये रिटार्डेशन फोर्स है और ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वी माइनस यू अपॉन टी जो है उसमें अगर यू ज़्यादा और वी कम होगा तो एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा, तो ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, -9.8 m/s² या 10 m/s² भी हम उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा हमारे आंसर में फ़र्क पड़ेगा, अगर हम 10 लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट ऐसे भी नहीं है। तो आपको क्या क्या गिवन है, दिस इज़ हाइट, दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, साइन का ध्यान रखें माइनस है, यू आपको पता करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो, वी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी हो, फाइनल वेलोसिटी तो मालूम है, इनिशियल पता करनी हो, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जिसमें हम, वैसे आप सेकेंड इक्वेशन से भी यहाँ यूज़ कर सकते थे अगर आपके पास टाइम होता तो, लेकिन क्योंकि टाइम है नहीं तो हमें टाइम अलग से निकालना पड़ेगा पहले, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, v² - u² = 2gh। तो यहाँ पे u आपको पता करना है और v स्क्वायर क्योंकि ज़ीरो है, वी ज़ीरो है तो वी स्क्वायर को हटा देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से तो ये ज़ीरो रह जाएगा। (0 - u² = 2gh) रह जाएगा। अब आपको 2gh का कैलकुलेशन करना है, 2 × g, अपन यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं जिससे कि हमारे को कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, यहाँ पे हम 10 ये ले रहे हैं 10 ये ले रहे हैं, h हमको गिवन ही है 10, तो ये 100 × 2, ये g हमारा क्योंकि -10 है तो यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी है, 10 × 10 = 100, ये -200 हो गया, -u² = -200, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब u जो है वो क्या है, √200, जिसको आप √2 × 100 भी लिख सकते हो, ऐसा ही है, और √100 जो होता है वो 10 होता है, 10√2 हमारे लिए एक पहचाना हुआ फिगर है, क्योंकि जो √2 होता है वो 1.414 होता है, तो हम 10 × 1.414 लिख सकते हैं, तो ये 14.14, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14.14 m/s आएगा, ये तो हो गया हमारा u। t निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा v = u + gt, तो t = v - u / g, v ज़ीरो है, माइनस u आपने निकाला है 14.14 और g आपका है -10, ठीक है, तो ज़ीरो का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14.14/10 इज 1.414 सेकेंड, ठीक है, तो देखने से लग सकता है आपको कि कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ फेंकें तो ये दो चीज़ें याद रखोगे हमेशा, एक तो फाइनल वेलोसिटी जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा ज़ीरो लिखनी है और जी माइनस में लिखना है,
चाहे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, चाहे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, उसको लिखना माइनस में ही है हमेशा। ऊपर जाते समय जी नेगेटिव होता है, प्लस ले लिया तो आपको दिक्कत आएगी, आपका आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। बस दो ही क्वेश्चन हैं इधर, तो अपन एक बार चैप्टर एंड एक्सरसाइज में भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कोई अपने को फ्री फॉर का क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी ले लेते हैं। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Normally हमारी help करने के लिए इस तरह के number दिए जाते हैं, 49, 9.8 meter per second square हमको g लेना है। तो a ball is thrown vertically upwards, वर्टिकली अपवर्ड्स देखते ही आपका गिवन कि v तो ज़ीरो आएगा और g जो है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 49 मीटर पर सेकेंड, u इज 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस एंड टू द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर। अच्छा, टाइम ऊपर जाके नीचे आने, टोटल टाइम ऊपर जाने का नीचे आने का दोनों मिला के, ठीक है। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है नीचे आने में भी उतना टाइम लगता है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम होता है और एक्सेलरेशन भी सेम होता है। नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, नीचे से ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो हम टाइम तो निकाल लेंगे, एक बार टाइम एक तरफ का निकालेंगे, दोनों तरफ का निकाल देंगे। हाइट कैसे निकालोगे, आपके पास v है, u है, g है, तो s कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, आपका थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हाँ, जहाँ पर h हमको निकालना है, v और u दोनों पता है हमको, हम कहते हैं h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। वी स्क्वायर मतलब 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब 9.8 का ऊपर जा रहा है, तो माइनस 9.8 का स्क्वायर और अपॉन, अच्छा u इज नॉट 9.8, इट इज 49। को चेंज कर दें, माइनस यू स्क्वायर इज -49 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -9.8, ठीक है। तो अब आप देखो कि 49 का स्क्वायर, ज़ीरो तो हट गया, 49 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू, इसको हम माइनस बाहर ले लेते हैं, 2 इंटू 9.8। ये पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 49 2 टाइम्स 90, 49 टू ज़ा 98, ये 2 से आप इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे 2 बच गया है, 49 24.5, तो ये माइनस है, ये माइनस भी काट दो, दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और हाइट कितनी आएगी, वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर।
122.5 मीटर तक ये ऑब्जेक्ट जाएगा द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो पहले ऊपर जाने में कितना टाइम लगा ये देखें। टाइम तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकल जाता है। टी टू गो अप इज वी माइनस यू अपॉन जी, है ना, ऐसे ही होगा। v माइनस यू इक्वल टू जी टी या v इक्वल टू यू प्लस जी टी से ये निकल के आ गया है। तो v तो ऊपर फेंक रहे हैं तो v तो जीरो है और u 49 है, तो जीरो माइनस 49 अपॉन माइनस 9.8, ठीक है। तो फिर वही करोगे, जीरो हटा दोगे, माइनस से माइनस काट दोगे, ये यहाँ पे ले आओगे। तो ये इसको 5 टाइम्स काट देगा, मतलब ये 5 सेकंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। तो एक तरफ जाने का अगर 5 सेकंड, 122.5 मीटर तक जाने में 5 सेकंड लगे, तो वापस आने में भी 5 सेकंड लगेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हम तो नहीं मानते ऐसे कैसे, तो आप कैलकुलेट करके देख लें। बेशक कैलकुलेट कैसे करोगे, समझो, आपको अब s पता चल गया ना 122.5, अपन चेक करके देख लेते हैं कि क्या वाकई 122.5 मीटर जाने में, ऊपर जाने में तो उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, हाँ, और पूछा जा रहा है कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, फिर दोनों को जोड़ के टोटल टाइम बता पाएंगे, यह हमें नहीं पता। हम कह रहे हैं कि भाई जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है। ऊपर से नीचे आने में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लिख लो और जी जो है वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो नीचे आने में लगा हुआ टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमारी, क्योंकि हमारे पास अभी v नहीं है, या तो v निकालें तो उसमें टाइम लगेगा, तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज़ करें जो होती है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। h आपके पास है 122.5, u आपके पास क्योंकि ज़ीरो है इसलिए यू टी ज़ीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू जी इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखें कि फ्रॉम दिस, अब ये ज़ीरो है तो ये तो सब हट गया, हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 122.5 अपॉन 9.8, ठीक है। तो हम ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दें, टू फोर फाइव जीरो अपन 98। तो का कैलकुलेशन कर लेते हैं, टू फोर फाइव जीरो डिवाइडेड बाय 98 इज 25, क्या बना एग्जैक्टली 25। ये 25 इज टी स्क्वायर, तो टी कितना बन गया, टी स्क्वायर इज 25, तो टी इज अंडर रूट 25 5 सेकेंड। तो यही हम कह रहे थे कि नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा, आप कभी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ऊपर आने में और नीचे जाने में लगा हुआ टोटल टाइम 5 + 5, टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। 5 + 5 10 सेकेंड्स इज द टोटल टाइम
यही पूछा था नीचे गिरने में, ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस इज 10 सेकेंड. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये देखो क्वेश्चन नंबर 15. इसको भी हम अपनी शीट पे ले चलते हैं. स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. हाँ, तो इनिशियली हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ आए इसे करने के लिए, लेकिन आप ये होगा क्योंकि उससे ही जो आपकी फ्री फॉल वाले तरीके से, मतलब कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही काम आएंगी, इसलिए एक बार थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको पॉज करके कोशिश करना कि ये आपसे अपने आप हो जाए. अगर अपने आप हो गया तो दैट इज़ वंडरफुल, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. नया सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए सब चीज़ें. अब इसको देखो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन क्वेश्चन. समझने की पहले कोशिश करो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप कोशिश करना इसे अपने आप करने की. स्टोन एक ऊपर फेंका गया, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. ये क्योंकि आप बड़े आराम से हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस ठीक से समझ लिए तो. तो वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आपको लगाना है ऊपर फेंकते समय, माइनस आपको लगाना है, क्योंकि आप अगर माइनस नहीं लगाओगे तो गड़बड़ होगी. और ऊपर फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर वी ज़ीरो होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. वॉट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. नेट मतलब कि वो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने पर, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले तो हम एच पता कर लें. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द स्टोन, वापस गिरने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी होगी, तो वो तो खैर ज़ीरो हो जाएगी, अदरवाइज ऊपर जाते समय तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट ही है. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, ये हम मोशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने वहाँ पे सीखा था. तो आप देख लो, अपने आप करो, वी यू जी आपको गिवन हो और एच आपको निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, वेयर वी इज ज़ीरो, यू इज 40 मीटर पर सेकेंड. तो 40 का स्क्वायर 2 × g, इन्होंने 10 दे दिया था, माइनस 10 लिख लिए ऐसे. आप अगर माइनस 10 नहीं लिखोगे तो आपका वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगा हाइट, जो कि गलत हो जाएगा. तो माइनस 40 का स्क्वायर है 1600, माइनस 2 × 10 इज 20, क्या बना, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 80 मीटर हाइट पर वो पहुंच गया. अब वो कहता है व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, 80 मीटर हाइट पर पहुंच गया, तो यहाँ पर अगर पूछ रहा है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक, तो नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों 80 ही है. लेकिन अगर वो वापस आने का भी पूछ रहा है कि वो वापस गिर गया, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल डाउन, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ये, तो उसमें हम कहेंगे कि जब वो वापस नीचे आ गया तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन 80 + 80 160 मीटर होगा ऊपर से नीचे आने में, है ना. ये बात आप मोशन से जानते हो जब आपने डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सीखा था. अच्छा अब देखो, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. ये आपको इसमें ट्राई करना है कि क्या आप इसको कर सकते हो, टेस्ट योरसेल्फ, है ना. एक बार इसे टेस्ट करो, मैं आपको सॉल्व तो करवा ही रहा हूँ अभी के अभी करवा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ होमवर्क, ये मैं अभी करवाऊँगा आपको. लेकिन आप इसे पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन को देख लो, अब इस क्वेश्चन को समझ लो पहले,
एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे। आप सारा सिचुएशन बहुत ईजी है वैसे लैंग्वेज इसकी, तो बहुत समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, समझो ये कोई टावर है। इस टावर के टॉप से एक स्टोन को गिरा दिया। हाँ, अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, इसका हाइट दे रखा है 100 मीटर। इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा। ये 100 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। अब वो कहते हैं कि एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक दूसरा स्टोन एट द सेम टाइम यहाँ से ऊपर फेंक दिया। प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u फॉर दिस स्टोन, जो इस स्टोन के लिए लिखा है वो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ये दोनों आपस में कहाँ पर मीट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों की मोशन अलग अलग कैलकुलेट करो, अलग अलग ऑब्जर्व करो और फिर देखो कि दोनों कहाँ पर एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, टकराएंगे नहीं बोल रहा मतलब मिलेंगे, मतलब एक ही हाइट पर होंगे। कब होगा ऐसा, किस हाइट पर ये एक दूसरे से मिलेंगे और कितनी देर बाद ऐसा होगा, पॉज करो, अपने आप करो, नहीं होगा तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले तो ऊपर से जो गिर रहा है उसे देखें। अ स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट से ये गिर रहा है, तो इसका फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस इस स्टोन के लिए जो भी मैं लिखूंगा रेड कलर से लिखूंगा, तो ऊपर से जो गिर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और उसके लिए जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया हमने। 10 भी ले सकते हैं अगर हमको दिया होता, लेकिन ठीक है हम 9.8 ले लेते हैं, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ एक बार देख लें उसमें कुछ गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन है तो हम 9.8 ही लेंगे। और एट द सेम टाइम अनदर स्टोन, अब ये तो नीचे गिर रहा है इतनी बातें हमें पता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ इसको, तो अपने को ये यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि वो समझो x डिस्प्लेसमेंट के बाद ये दोनों मिलते हैं, उस समय ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, दोनों यहाँ पे आते हैं, दोनों यहाँ पे एक ही हाइट पर हो जाते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जब वो मिले उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट x ले लिया, क्योंकि गिवन नहीं है तो हमने x ले लिया, x इज द डिस्प्लेसमेंट। x इज द डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो रहा है कि यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा टाइम तो हमें निकालना ही है, वो भी पता नहीं है, तो हमें एक रिलेशन लेकिन यहाँ पे मिल गया x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऊपर से गिरने वाला जो स्टोन है वो कवर करता है। x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यू टी क्योंकि ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब जी हमको 9.8 प्लस 9.8 मिला हुआ है, हम वो वैल्यू भी ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 4.9 टी स्क्वायर हो गया एक्स का वैल्यू। इससे ज़्यादा अभी हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें और कुछ पता नहीं है इसके बारे में इससे ज़्यादा, तो हमने x का वैल्यू निकाल करके 4.9 टी स्क्वायर रख दिया। दिस इज 4.9 टी स्क्वायर। आप यहाँ पे 10 ले लेते तो ये
4.9 के बजाय 5 हो जाता, 10 अपॉन 2 5 टी स्क्वायर हो जाता, लेकिन एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो ऊपर से गिरने वाले के लिए तो अपन इतना ही कर सकते हैं। अब नीचे वाले को देखो, जो ऊपर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी इसकी पता है, ये यहाँ से वहाँ तक गया, अगर ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स लिया था तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से जहाँ तक जिस हाइट पर जा कर के मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, दैट वुड बी 100 माइनस एक्स, ये हाइट क्या है, टोटल 100 है, उसमें से एक्स हटा दो तो उतनी है, तो हम ये इसका एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्स नहीं डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स तो उसका है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 माइनस एक्स है, ठीक है। यानी ज़मीन से ये वाली हाइट जो है वो 100 माइनस एक्स है, ऊपर से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो एक्स था। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से, सेकेंड लॉ ऑफ ऑफ मोशन के, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में हम ये वैल्यू रखेंगे। अच्छा, ऊपर जाते समय जी इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा ऊपर जा रहा है अगर कोई चीज़ जी माइनस में लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है जी प्लस में लेंगे, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखो, s इक्वल टू यू टी, एस की जगह मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे। u इज गिवन 25, t हमें पता ही नहीं है, तो 25t प्लस हाफ g इज माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 100 माइनस x क्या है, x है 4.9 टी स्क्वायर, x का वैल्यू वहाँ से यहाँ रख लेते हैं, हाँ। अब आप बोलोगे कि वो तो उसका मोशन था, तो टाइम बराबर ही है, इसको यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा इसको वहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगा, तो दोनों के लिए टाइम बराबर है, तो इसलिए मैं x की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9.8 अपॉन 2 विल बी 4.9, तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आ गई, देखो 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 25t माइनस, ये माइनस था 4.9 टी स्क्वायर, तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर से माइनस 4.9 टी स्क्वायर कट जाएगा, आमने सामने जो आ गए कैंसिल हो गए, हमारे पास छोटी सी एक चीज़ बची, 100 इक्वल टू 25t, हो गया सॉल्व। अब हर कोई कर लेगा, t इक्वल टू 100 अपॉन 25, मतलब 4 सेकंड लगे उसको, 4 सेकंड लगे यहाँ आने में, तो कहाँ पर मिलेंगे, ऊपर से डिस्टेंस नीचे से डिस्टेंस, टोटल 100 मीटर। अब x निकालना इजी है, हमारे पास है x इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, टी आ गया तो x भी आ जाएगा, x इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 4.9 इंटू 16, तो इसको हम कर लेते हैं, वन फोर्टी फोर रहता है ना, ये 64 प्लस क्या बना 14, 64 प्लस 14 तो 64 प्लस 14 है 78, तो ये 78.4 मीटर बना। वो वैसे ही है कि यहाँ पर अगर 4.9 की जगह 5 होता तो ये 80 मीटर होता है, तो ये 80 मीटर से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये थोड़ा हमने कम ले लिया,
एक्चुअली तो सही तो यही है, आपको कई बुक्स में इसको 5 लिया हो, मतलब कि वो 9.8 लिया था हमने, इसलिए 4.9 है। तो 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप, एक्स का वैल्यू है ये, 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप ये आ जाएगा, और ये नीचे से ऊपर पहुंचा है 100 माइनस 78.4, मतलब आपसे पूछा कि कितनी हाइट पर, तो 100 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 21.6 मीटर। 21.6 मीटर फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 21.6 मीटर तक ये जाएगा और ऊपर से ये 78.4 मीटर इस पोजीशन पर ये मिलेंगे। ये सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ पे सीखने की बात देखो ये है कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें गिवन नहीं होती, हमको चीज़ें अज्यूम करनी भी सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने अज्यूम करना सीखा है कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये कितनी दूर चलेगा, तो हमने एक्स अज्यूम कर लिया और सिर्फ उस एक्स की बेसिस पर ये पूरा क्वेश्चन चला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसलिए सीखो क्योंकि वर्क एनर्जी पार में जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही कंसेप्ट आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे होता है, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तब, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाता है और जैसे जैसे वो बॉटम पे पहुंचता है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, सेम रहती है। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हम इसी क्वेश्चन का सहारा लेंगे। और जिन लोगों को फिजिक्स पढ़नी है आगे, जिनको 10th क्लास के बाद में साइंस लेना है, उन्हें फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगी, चाहे आप साइंस के साथ मैथ्स लो चाहे बायो लो, तो उस फिजिक्स पढ़ते समय भी आपको ये वाला न्यूमेरिकल फिर आएगा 11th क्लास में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बाहर से ले रहे हैं, मैंने आपकी बुक से ही लिया ही है, मैं कोई एक्स्ट्रा बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये आना ही चाहिए इसलिए आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो या ये वो क्वेश्चंस थे, वो न्यूमेरिकल्स थे जो फ्री फॉल पर बेस्ड थे। अब कल हम कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ेंगे जिसमें हम मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, वेट एट डिफरेंट प्लैनेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे, जी का क्या इम्पैक्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है वेट के ऊपर ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसलिए यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि जी का वैल्यू अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे, अर्थ सरफेस पे ही सेम नहीं रहता है। जैसा हमने आपको बताया था पहले कि इक्वेटर जो है उस पर उसका मतलब अर्थ इज़ नॉट स्फेरिकल, इट इज़ जियोइड, तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट है, उस इक्वेटोरियल पार्ट पर उसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा है और उसके पोल की तरफ उसका रेडियस थोड़ा कम है, तो पोल पर जी का वैल्यू कुछ और होगा, इक्वेटर पर जी का वैल्यू कुछ और होगा, और इस वजह से वेट में फ़र्क आ जाता है सेम ऑब्जेक्ट की। ये सब इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।